सही है, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस विद ई एस सिक्स लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद मैं एक स्क्रिप्ट का टैग लगा देता हूँ यहाँ, जिसके अंदर हम तमाम की तमाम अपनी कोडिंग लिखेंगे। अच्छा, इफ करके एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि लेट यूजर इनपुट इक्वल्स टू 32। ये मैंने एक यूज़र का इनपुट एज्यूम कर लिया कि ये यूज़र से मिलेगा मुझे। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, जो बुक में भी आपके इसी तरह से बताया हुआ है। बुक वाली एग्जांपल ज़रा पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल है, ताकि वो ज़्यादा बेहतर समझ आए। अच्छा, तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि पहले हम जो टेस्ट करते थे वो एक वक्त में सिर्फ एक कंडीशन को टेस्ट करते थे। हम कहते थे यार कि नंबर अगर या टेम्परेचर अगर 30 से बड़ा है तो गर्मी है, ऐसे प्रिंट कर दो कि गर्मी है। अगर 30 से छोटा है तो फिर हम एक सर्टन वो स्केल का, हमने नंबर ऑफ स्केल देखा था कि उस नंबर स्केल से हम क्या करते थे, उसको डिवाइड कर लेते थे कि अच्छा इतने से इतने तक है तो ये है, इतने से इतने तक है तो ये है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ गाय वेट मोर देन 300 पाउंड, ही इज जस्ट अ ग्रेट बिग गाय, बट इफ ही वेट्स मोर देन 300 पाउंड एंड रनस 40 यार्ड इन अंडर 6 सेकेंड, you are going to invite him to try for NLF as lineman। अब NLF जो है वो कोई कंपनी है, उसके अंदर lineman required है। अच्छा, उनका क्राइटेरिया क्या है जो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये क्राइटेरिया टेस्ट करना है, कि अगर 300 पाउंड है तो ही इज़ जस्ट अ ग्रेट बिग गाय। सही, अगर 300 पाउंड से ज़्यादा उसका वज़न है तो वो सही है, मतलब बिग गाय है। बट इफ़ ही वेट्स मोर देन 300 पाउंड, अगर वो 300 पाउंड से ज़्यादा है, साथ में उसको 40 यार्ड रन भी करना है 6 सेकंड के अंदर, तो तब जाके वो एलिजिबल होगा। ठीक है, सिर्फ 300 पाउंड पे हमें उसको ओके नहीं करना है, क्योंकि अगर सिर्फ 300 पाउंड पे ओके करेंगे तो हो सकता है कि वो, अच्छा 300 पाउंड का मतलब क्या है, कितने किलो, हम क्योंकि हम लोगों को पाउंड समझ नहीं आता, किलो ज़्यादा समझ आता है ना, कितने कितने किलो बनता है 300 पाउंड, तकरीबन 150 किलो बनता है, 136 किलो का बंदा मैं 85 का हूँ, 85 kg का। अच्छा, तो 136 किलो का बंदा, फुल मोटा ताज़ा तगड़ा बंदा है। अच्छा, ये NLF पता नहीं कौन सी कंपनी है, इसमें इतने मोटे बंदे पता नहीं क्यों चाहिए होते हैं, आई एम नॉट श्योर। या इसने वैसे ही ये लिख दिया है, ध्यान नहीं दिया, वैसे ही लिख दिया इसने। तो भाई इतने मोटे बंदे के लिए ना ये तो मेक श्योर करना ज़रूरी है कि चलने फिरने के काबिल है भी कि नहीं है। सही है, तो इसको मेक श्योर करने के लिए अब हमने क्या चेक करना है, यूज़र से दो इनपुट लिया गया है, वेट और टाइम। कि जाहिर है जब उसने रनिंग की थी तो कितने टाइम में कंप्लीट कर ली थी, तो 6 सेकंड से अगर टाइम इसका इतने इतनी जो बात है, ये क्या रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। मिसाल के तौर पे वेट उस बंदे का है 310, 310 होने की सूरत में ये वाली बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अच्छा, फिर ये वाली जो बात है, मिसाल के तौर पर उसने रनिंग की पूरे 6 सेकंड में आया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ना। ये लेस देन है, ये 5 दिया, जब तक यहाँ रहेगा ना जब तक ये बात ट्रू है, जैसे 6 हो जाएगा तो 6 इज नॉट स्मॉलर देन 6, है ना, 6 इज नॉट स्मॉल, जब तक यहाँ 5 रहेगा ना जब तक ये ट्रू है, 6 जैसे ही होगा ये फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर ले, चलो 5 आ गया, तो इतने पे भी ट्रू हो गया और इतने पे भी ट्रू हो गया। अच्छा, और बीच में लगा हुआ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड एंड या और वाला जो एंड होता है। अच्छा, हमारे यहाँ उर्दू में जो और है ना वो इंग्लिश में एंड होता है ना,
अच्छा इंग्लिश में जो और है वो उर्दू में या होता है, ठीक है। तो हम अभी इंग्लिश वाले एंड और की बात कर रहे हैं, अभी जब हम बात करेंगे तो हम इंग्लिश वाले एंड और की बात करेंगे। जब भी मैं और बोलूँगा तो मैं इंग्लिश वाले और की बात कर रहा हूँ, सही है, और जब भी मैं एंड बोलूँगा तो इंग्लिश वाले एंड की। तो ये लॉजिकल एंड लगा हुआ है, ए एन डी एंड, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। अच्छा तो ये लॉजिकल एंड उठा के मैं यहाँ पे ले आ जाता हूँ अपने कोड में। अच्छा तो मैं यूज़र का जो दो इनपुट है ना वो भी चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा कि लेट वेट इक्वल्स टू 310 और टाइम जो है वो 5। यार लगे तो ज़रा NLF को भी तो गूगल करें क्या है ये। NFL है या NLF है? ओ अच्छा वो है ये, अभी तो इसमें 40 yard भागना होता है, ये तो पूरा भाग दौड़ वाला गेम है। NLF क्या चीज़ है? नो लाइन फायर। NLF may stand for National Librarian Front. ये तो पता नहीं लेबर फ्रंट है ये, वेल पता नहीं क्या चीज़ है ये, लाइन मैन। अच्छा जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। भाई बोला करो तुम लोग वरना मुझे लगता है कि सब आउट हो गया मार्केट से। तो ये जो आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। अच्छा ट्रू कब करता है? जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि अच्छा यार वेट ग्रेटर हो 300 से, तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अच्छा लेकिन एक डिफरेंस है इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर को लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू चाहिए होती है, राइट साइड पे एक वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा लॉजिकल को भी, लॉजिकल ऑपरेटर भी बाइनरी है, दोनों साइड पे वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा कंपैरिजन ऑपरेटर को एक साइड पे स्ट्रिंग एक साइड पे नंबर दिया जा सकता है या दोनों साइड पे नंबर दिया जा सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर को दोनों साइडों पे बूलियन चाहिए और देगा भी बूलियन, रिटर्न भी बूलियन करेगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर से क्या फ़र्क है इसमें कि कंपैरिजन ऑपरेटर को जो दोनों साइड पे ऑपरेंड चाहिए होते हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो तीन लॉजिकल ऑर्डर है, अभी पहला देखा है हमने एंड वाला जो है, और भी दो हैं, उसको क्या चाहिए होता है अपने दोनों साइडों पे ऑपरेंड उसको बूलियन चाहिए होता है, सही है। अच्छा अगर उसको बूलियन नहीं दिया हमने तो वो उसको पार्सिंग करेगा, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं अभी वो क्या करेगा। अच्छा दोनों साइड पे उसको बूलियन चाहिए और रिटर्न भी ये बूलियन करेगा। एंड ऑपरेटर जो है ये सबसे पहला जो हमने देखा है लॉजिकल ऑपरेटर, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब इस तरफ भी इसको ट्रू मिलेगा और इस तरफ भी इसको ट्रू मिलेगा, जब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। एंड हेयर इट कम्स ट्रूथ टेबल, लॉजिकल एंड अच्छा इनपुट 1 अगर ट्रू है, सही है, मतलब ये
दोनों दो साइड पे ऑपरेंड चाहिए होते हैं, ये ट्रू है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, सही है, एक साइड पे ट्रू है और दूसरी साइड पे भी ट्रू है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, मतलब ये तो ऐसे तो रिटर्न नहीं होता, मतलब ये खुद सेल्फ गायब हो जाएगा पूरा और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, लेकिन बिना दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहला ट्रू हो लेकिन दूसरा फॉल्स हो जाए, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहला फॉल्स हो जाए और दूसरा ट्रू हो जाए, सही है, दूसरा ट्रू हो जाए, तो उस सूरत में भी ये फॉल्स होगा, ये रिटर्न जो करेगा वो फॉल्स करेगा। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही फॉल्स हो, तो दो वेरिएबल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, जहाँ पे एक वेरिएबल होता है वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं वहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये चारों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख दी है मैंने, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटी बाय द वे कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ये सेट्स वाले जो मैथ्स पढ़ते हैं ना उसमें ये बात बताई जाती है कि कितने वेरिएबल होंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह के टाइप की, ठीक है। तो वो भी सेट वाले जो मैथ है वो भी काइंड ऑफ लॉजिक से कुछ करीब करीब चीज़ है, और मैथ का और लॉजिक के दरमियान ही कुछ बन जाना है वो। प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी तो लॉजिक वाला मंजन नहीं है, हाँ उसमें, लेकिन ये सही कह रहे हो तुम, ये इंटरसेक्शन यूनियन बहुत होता है उसमें, हाँ ये बहुत उसमें यूज़ होता है। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल एंड ऑपरेटर का। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर में तो क्या होता था ना, हम दोनों साइड वैल्यू दे दे के देखते थे, अब इसमें तो वैल्यू देने का चक्कर नहीं है, ये फिक्स है, ये इसका यही रिजल्ट आएगा हमेशा, और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा, ये चार पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबल रिजल्ट है। नहीं करेगा, हाँ डायरेक्ट फॉल्स दे देगा, अभी वो हम इस पर आते हैं, लेकिन अभी वो तुमने आगे की बात पूछ ली है। अच्छा, तो ये एंड ऑपरेटर का जो है वो ट्रूथ टेबल समझ आ गई हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी के केस में ये वाला जो अभी वैल्यू मिली हुई है उसको, इसके केस में ये ट्रू है, तो रन टाइम पे जो यानी ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो यहाँ पर ट्रू हो गया, और इस जगह पर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, अब ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इस तरफ ट्रू, तो ये किस पे इवेल्यूएट होगा, ये ट्रू पे इवेल्यूएट होगा, ठीक है। जैसे प्लस का ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि दो ऑपरेंड होते हैं भाई, टू और बीच में प्लस है और दूसरी साइड भी टू है, तो इस गोना इवेल्यूएट फोर, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर कंपेरिजन ऑपरेटर था कि टू ट्रिपल इक्वल्स टू, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी इसमें तो ट्रू रिटर्न करता था। ये तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड में टेबल पहले से फिक्स है कि भाई इधर ट्रू और इधर ट्रू है ना, तो ये ट्रू करेगा, और अंग्रेजी में एंड कहते भी इसी चीज़ को है कि भाई पहली कंडीशन हो एंड और उसके बाद दूसरी कंडीशन हो, तो दोनों ट्रू होगी तो ये वाला होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये ट्रू पे इवेल्यूएट हो जाएगा, और जब यहाँ पे ट्रू इसको मिलेगा तो इफ को क्या चाहिए होता है, ट्रू तो चाहिए होता है चलने के लिए, तो ये इफ चल पड़ेगा। अच्छा, तो इसको मैं ज़रा कंट्रोल जेड करके वापस पहले जैसा कर देता हूँ, सही, और अलर्ट को मैं कर देता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है। और अब इसको चला कर देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कम टू आवर ट्राई आउट, सही है, इसको बल्कि मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यू आर वेलकम, सही है, थोड़ा मैंने जुमले को चेंज कर दिया। अब इसको थोड़ा चला कर देखते हैं, सही है, यू आर वेलकम यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मैं कोई एक भी, जैसे वेट भी ट्रू हो रहा था यहाँ पे और ये टाइम भी ट्रू हो रहा था, तो अगर मैं किसी एक को फॉल्स करवा दूँ, मिसाल के तौर पर मैं टाइम को कर देता हूँ 7, तो अब टाइम ये तो ट्रू होगा अभी, बट ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा, तो इवेंचुअली एंड ऑपरेटर को एक तरफ ट्रू और एक तरफ फॉल्स मिल रहा होगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। अच्छा इफ़ को जब फॉल्स मिलता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, एल्स पे फिर वो मूव कर जाएगा। तो इसको मैंने चेंज कर दिया और रिफ्रेश किया मैंने, तो उसने कह दिया कि कम टू आवर कुक आउट, ठीक है, कह रहा खाना पकाने में आ जाओ, ठीक है। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें समझ आ गया। अब इसी तरीके से ना एक लॉजिकल ऑपरेटर है और, ठीक है। अच्छा लॉजिकल और की जो ट्रूथ टेबल है ना वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लॉजिकल और ट्रूथ टेबल। अब लॉजिकल और में क्या होता है, इसका जो साइन होता है ना वो ये होता है, पाइप साइन दो दफ़ा। ये पाइप साइन आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस के बटन के नीचे होता है, ठीक है, और आपको ये शिफ्ट के साथ दबाना होता है। सब लोगों को पता है पाइप साइन, या दिखा दूँ, अरे भाई क्या सीन है। अच्छा इस कीबोर्ड में ये यहाँ पर है, एंटर के बटन के साथ है, मेरे कीबोर्ड में ये बैक स्पेस के नीचे है। जिस पे ये बैक स्लैश है ना उस वाले बटन पे होता है, तो बिना शिफ्ट के दबाओगे तो बैक स्लैश आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये ऊपर पाइप साइन बना हुआ आएगा, ठीक है। तो ये पाइप साइन आपने दो दफ़ा लिखना होता है, तो ये क्या बन जाता है, लॉजिकल और ऑपरेटर बन जाता है ये, राइट। अच्छा लॉजिकल और जो है, ये अंग्रेजी वाला और जो होता है ना वो सेम वही चीज़ है ये, कि लॉजिकल और कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू है ना अगर, तो ये बात ट्रू है, सही है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा ये वाला, ये भी ट्रू होगा। अच्छा इसमें भी ये कोई एक ट्रू है ही, तो ये भी ट्रू है, सही है। अच्छा इसमें भी कोई एक ट्रू है क्या, नहीं है। इसमें दोनों फॉल्स हैं तो जब जाके ये फॉल्स होगा, सही है, दोनों फॉल्स हैं तो जब जाके ये फॉल्स होगा। अच्छा मैंने जो ये ग्रेविटी वाली मिसाल दी थी लास्ट टाइम अभी, तो उसमें मैंने कौन सा वाला ऑपरेटर लगाया था, मिसाल देते हुए एंड ऑपरेटर लगाया था। मैंने कहा कि भाई अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, और अगर प्लास्टिक का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा छोड़ो और वो नीचे जाता है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करता है प्लास्टिक। तो मैंने बोला कि अगर एक ट्रू है एंड दूसरा भी ट्रू है, तो तीसरा भी ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। द वेरी दिस इज वेरी लॉजिक, सही है ना। अभी पता नहीं इसको कैसे बोलेंगे जुमले में। तो लॉजिक एक्चुअल में यही है कि अगर एक चीज़ ट्रू है एंड दूसरी चीज़ ट्रू है, तो तीसरी ट्रू होनी ही चाहिए। अच्छा और वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला, अच्छा लॉजिक की जो पढ़ाई होती है उसमें तो एंड और से शुरू होता है, लेकिन वो 6-7 ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर। प्रोग्रामिंग में आमतौर पर सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है, उसमें और एक्सॉर नॉर पता नहीं और क्या क्या होते हैं, जो DLD कर किसी ने पढ़ा है तो उसमें वो सारी लिस्ट होती है, पढ़ाते हैं, है ना, गेट्स कहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो असल में यही होता है, नाम अलग अलग हैं, किसी में गेट कहते हैं, किसी में ऑपरेटर कहते हैं, किसी में लॉजिक्स कहते हैं, किसी में। अब मुझे और ऑपरेटर बताओ रियल लाइफ में, और ऑपरेटर, जैसे मैंने ग्रेविटी वाली मिसाल दी ना, कोई ऐसी मिसाल आ रही है किसी के जहन में जो और वाले ऑपरेटर पे अप्लाई हो? एंड वाले में केस में ये था कि अगर ये बात ट्रू है एंड ये बात भी ट्रू है, तो ये तीसरी बात भी ट्रू होनी ही चाहिए, तो ये है ना। और ऑपरेटर में क्या होगा कि एक बात ट्रू है या दूसरी बात ट्रू है, कोई दोनों में से एक भी अगर है तो तीसरी बात ये ट्रू हो जानी चाहिए। बाबा ये आपकी कन्वर्जेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला आपकी डेली कन्वर्जेशन में और वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ थोड़ा। हाँ नहीं कुछ जमी नहीं मिसाल ये। हाँ मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। हाँ नहीं, मगर वो तो उसने ये लिखा होता है ना कि दो चेक बॉक्सेस होते हैं, वो तो
कि या तो आपके पास डिग्री है या तो वर्क एक्सपीरियंस है, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक बात ट्रू है तो तीसरी बात क्या है जो ट्रू होनी ही चाहिए? अप्लाई कर सकते हैं, हाँ ये वाली बात आप जम गई कि अगर डिग्री है या वर्क एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर दोनों है तो भी अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर एक भी कोई है तो अप्लाई के लिए एलिजिबल है। तो एक तो मिसाल अच्छी दी इसने, मगर मज़ेदार एग्जांपल नहीं आई अभी तक किसी के। और सोचो भाई इतने सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे, बोलो भाई कुछ तो बोलो। नहीं कोई वो वाली बात, कोई फैक्ट एंड फिगर वाला कोई एग्जांपल दो ना कि अगर ये बात ट्रू है एक बात हो कोई और एक दूसरी बात हो कोई, तो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो एक तीसरी बात वो ट्रू होनी ही चाहिए। जी नहीं, ये भी कोई मज़ेदार एग्जांपल नहीं आई, फैक्ट एंड फिगर वाली बताओ ना कोई। सोचो इसमें तो ऑपरेटर ही, उसमें ऑपरेंड ही दो आए ना, तीसरा ऑपरेंड तो आया ही नहीं इसमें। चलो एक हिंट देता हूँ मैं तुम्हें, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कड़ा कैंडिडेट, जीतने के चांसेस किस किस के हैं? पीटीआई और जमात इस्लामी तो खैर मुश्किल ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का कुछ लग रहा है। अच्छा तो पीटीआई आए या पीपल्स पार्टी जीते, महंगाई तो बढ़ेगी। हाँ अगर जमात इस्लामी जीत जाए तो मैं भी कुछ, क्योंकि ये कभी भी मेन स्ट्रीम हुकूमत में नहीं आया मेरा ख्याल है, ये फर्स्ट टाइम होगा इनका, तो मैं भी इनमें कुछ डिफरेंस हो जाए। हाँ मुश्तर हाँ सही कह रहा है कि अगर कोई घर, आप किसी घर पे आप रेड करने गए एज अ पुलिस मैन, तो आप ये देखेंगे कि घर में कोई मौजूद है या नहीं है, तो इसमें दो या तीन या चार आपके पास वेरिएबल्स होंगे, कोई एक वेरिएबल भी ट्रू है तो इसका मतलब है घर में बंदा मौजूद है। बहुत अच्छी एग्जांपल दी इसने ये, आप अगर देख रहे हैं कि अच्छा यार बत्ती जल रही है तो आप कहेंगे यार हाँ यार बंदा तो है अंदर, सही है। अच्छा फिर आप ये देखेंगे कि कोई आवाज़ आ रही है क्या, अगर बत्ती नहीं भी जल रही जस्ट किसी की आवाज़ आ रही है अंदर से, तो इसका भी मतलब है कि बंदा है। अच्छा अगर, यानी मैंने तो दो वेरिएबल कहा था लेकिन इसमें तीन चार वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है अभी हम उस पर गए नहीं है, अभी हमने दो पे किया है, लेकिन जैसे प्लस माइनस है ना कि 2+3+5+7+ ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस तरह और ऑपरेटर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम उस पर पहुँचे नहीं, ठीक है। तो घर से आवाज़ आ रही है या बत्ती जल रही है या चिमनी से धुआं निकल रहा है ऊपर, हमारे यहाँ तो चिमनी का रिवाज नहीं होता आमतौर पर, लेकिन वेस्ट में क्या होता है कि वो खाना वाना पकता है ना अंदर, या बंदा वो आग जलाता है तो ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, तो धुआं निकलने का मतलब है कि कोई अंदर आग जलाई है किसी ने,
तो चिमनी से धुआं निकल रहा है, बत्ती जल रही है, या अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है, तो इन में से कोई एक भी बात ट्रू है तो कि अंदर कोई है। हाँ, बहुत अच्छी एग्जांपल दी। एक और एग्जांपल हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो, इतना बोल के चुप हो गया। क्रिमिनल केस में भी तो ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल बकायदा बताओ ना, जैसे उसने बताई है। तुम भी सोचो दूसरी एग्जाम्पल, तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो गया अभी। हाँ भाई लड़कों, सोचो सोचो। अच्छा, ये भी इसने अच्छी एग्जांपल दी है कि एक बंदा अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। अब आपने कॉन्क्लूजन निकालना है कि ये अलाइव है या डेड है, तो आप चार पांच तीन या दो वेरिएबल हैं कि आप या तो सांस चल रही है और या तो पलके झपक रहा है। समटाइम बंदे की सांस रुक जाती है लेकिन पलके झपकता रहता है वो, या उसका दिल धड़क रहा है। तो कोई एक भी चीज़ हो रही है ना, इसका मतलब बंदा में कुछ है अभी बचा हुआ जान वान। सही है, तो बंदा अलाइव है या मतलब ट्रू मतलब अलाइव, कि अगर कोई एक भी चीज़ ट्रू है कि उसकी सांस चल रही है या दिल धड़क रहा है या आंखें झपक रहा है वो ऐसे या मुंह से कुछ आवाज़ निकाल रहा है, ये सारे वेरिएबल। तो कोई एक भी ट्रू है तो ये बंदा जिंदा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी और ऑपरेटर की। सही है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने से दिमाग के घोड़े को दौड़ना आता है। सही है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इससे अब ये लॉजिक बिल्डिंग ना, ये बहुत आगे वास्ट चीज़ है, ये मतलब बहुत बिगर अम्ब्रेला है ये लॉजिक बिल्डिंग। ये जो मैंने अभी प्रैक्टिस की ना थोड़े से, ये चीज़ को सोचने की प्रैक्टिस कि ये चीज़ कैसे होगी, दो चीज़ें ट्रू होगी तो तीसरी ट्रू कैसे निकालनी है। प्रोग्रामिंग जो है टोटली इस चीज़ पर बेस करती है। अभी इफ एल्स तो टूल्स है ना, पता चल जाएगा कि करना क्या ना, तो इफ एल्स से कोडिंग हो जाएगी आपकी। सोचने वाली चीज़ ना यहाँ पे लाया करती है कि करना क्या है, चीज़ होनी कैसे चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। सही है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक होती है ना वो पहले सोची जाती है और उस लॉजिक को प्रोग्राम कर दिया जाता है फिर कोडिंग के ज़रिए। हाँ हाँ, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है भाई, कोर्ट लॉजिक पे नहीं चलता। हाँ खैर, तो ये सही कह रहा है ये कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या आईडी में जो दिखाते हैं आमतौर पे, वो जो प्रोग्रेस करती है वो लॉजिक के ज़रिए करती है, कि वो लॉजिक लगा लगा के प्रोग्रेस करते हैं, तुक्के मारते हैं, स्पेकुलेशन चलती है उसमें एक्चुअली। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो असल में लॉजिक को प्रोग्राम करते हैं आप। अच्छा, इस लॉजिक के अंदर जो दो वेरिएबल है ना, जो कि भाई इनमें से ये बात ट्रू है या ये बात ट्रू है, तो ये वाली ट्रू होनी ही चाहिए, तो वो दो बातें ना यूज़र देता है एज अ इनपुट, और जो तीसरी बात है ना वो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होता है आमतौर पर। सही है, जो तीसरी बात होती है हमारे मिसाल के तौर पर हमने BMI कैलकुलेटर बनाया था, उसमें हमने जो इनपुट लिया था यूज़र से, उसका वेट और उसका हाइट ली थी और हमने एक उसको इनपुट दिया था, तो असल में वो दोनों को लेके ना मैंने एक लॉजिक बनाई थी। सही है, अच्छा लॉजिक, एक तो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, हमने लॉजिकल ऑपरेटर अभी तक तो यूज़ नहीं किया था, लेकिन स्टिल वो जो चीज़ बनी हुई थी ना उसको हम लॉजिक कहते हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे ना उस वक्त। अगर आप उस क्लास की रिकॉर्डिंग देखें, इससे पहले जो क्लास हुई थी, जो जिसमें हम BMI कैलकुलेटर बना रहे थे, तो वो अगर क्लास आप देखेंगे ना बाद में, अभी तो शेयर नहीं की मैंने रिकॉर्डिंग, जब ख़त्म हो जाएगी क्लास ये वाली तो फिर करूँगा, तो उसमें आप बाकायदा फील होगा आपको कि ये वाली सोच हम सोच रहे थे कि अच्छा यार ये वेरिएबल इतना है और ये इतना है, तो इन दोनों के साथ ऐसा क्या करेंगे तीसरा रिजल्ट जनरेट हो जाए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक,
तो लॉजिक सोचना पड़ता है और लॉजिक को प्रोग्राम करना पड़ता है, कंप्यूटर को ये बात समझानी पड़ती है। अच्छा, तो ये हमने और का ऑपरेटर पढ़ लिया। अब और के ऑपरेटर का ना यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री में आमतौर पे क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि यार ईयर ऑफ एजुकेशन इक्वल्स टू 16। हाइट जो है ना 5.6, ये लो 5.6 का मतलब 5.5 होता है, असल में 5 फिट 6 इंच रिक्वायरमेंट होती है ना, तो 5.6 तो दूसरा हो जाएगा। 5.5 का मतलब ये होता है कि 5 फिट 6 इंच, ठीक है, इसका मतलब ये है 5.5 का। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है हमारे यहाँ आमतौर पर मिलिट्री का कि भाई या तो 5.5 इंच हाइट हो, लेकिन हाइट अगर कम में बंदेगी तो एजुकेशन से भी वो मिलिट्री में जा सकता है, ठीक है। अगर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो वो कमीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये दो वाली चीज़ होती है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि अगर बंदे की जो हाइट है अगर वो बड़ी है या इक्वल है 5.5 के, ठीक है, एक तो ये हो गया, और बंदे की जो ईयर ऑफ एजुकेशन है, ईयर ऑफ एजुकेशन पता है ना सबको, जैसे हम जो मैट्रिक जब करते हैं तो वो 10 ईयर ऑफ एजुकेशन कहलाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इंटर करते हैं तो वो 2 साल का होता है तो वो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कहलाता है। तो ईयर ऑफ एजुकेशन से काउंटिंग होती है असल में, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे यार मैंने BScS किया, वो कहेगा यार ये क्या होता है, क्योंकि उनके यहाँ पे नाम कुछ और होता है। अभी वो पता नहीं नया नाम लेकर आया है BSIT है ना, पता नहीं, और BSAI, पता नहीं कौन कौन से नाम लेकर आए। तो लेकिन वो सब है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इंटर 12 साल आप पढ़ चुके थे, 4 साल पढ़ाई करते हैं तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आप 2 साल और पढ़ते हैं तो वो मास्टर्स हो जाता है जो, तो उसको 18 साल की एजुकेशन कहते हैं। तो ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना उसकी अगर क्या है, बड़ी है या इक्वल है 16 के, तो यू आर वेलकम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने एक लॉजिक सोच के यहाँ पे बना दी। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाया था, लेकिन ये वाला काम हमने किया था, वो नंबर स्केल से किया था, सोच के किया था वो भी हमने, ठीक है। वो भी एक लॉजिक थी हमारी कि अच्छा अगर इससे बड़ा होगा ही तभी नीचे आएगा ये, वरना नीचे आएगा ही नहीं, वरना ऊपर ही निमट जाएगा, सही है। हाँ, इन दोनों में से अब देखो, या तो ये ट्रू हो जाए, मिसाल के तौर पर बंदे की हाइट जो थी वो 4.5 थी, तो पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया पहला वाला, बट उसका जो ईयर ऑफ एजुकेशन था वो पूरा 16 था, तो ये ट्रू हो गया। तो अब ये दोनों इवेल्यूएट होंगे जब, तो कौन से पे होंगे इवेल्यूएट, ये ट्रू पे इवेल्यूएट होंगे, और ये बोलेगा कि भाई यू आर वेलकम। सवाल तो तुमने अच्छा पूछा है। इसने कहा है कि यार ये हाइट जो है ना अगर कम है तो वो ईयर ऑफ एजुकेशन तो पूरी है उसकी, लेकिन वो तो दूसरा होता है, कमीशन होता है वो, तो उसका टेस्ट भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, उसका पूरा मामला अलग होता है। तो यू आर वेलकम बोलने से जस्ट काम नहीं चलेगा, इसको तो ये बोलना पड़ेगा कि यू आर वेलकम इन टू अप्लाई फॉर कमीशन। और अगर उसका जो ईयर ऑफ एजुकेशन अगर कम है, हाँ नहीं, अभी हमने क्राइटेरिया 16 सेट किया है फिलहाल के लिए, अब एक्चुअल में तो सही कह रहे हो तुम, 12 ही होता है, लेकिन अभी हमने क्राइटेरिया 16 सेट किया। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, बल्कि सॉरी चार हो सकती है, जब दो वेरिएबल होते हैं तो चार पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा ही है ना, दो वेरिएबल जहाँ पे होते हैं वहाँ पर चार पॉसिबिलिटी होती है। नंबर एक कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। इस केस में क्या सजेस्ट करूंगा उसको, क्या सजेस्ट करोगे उसको, कमीशन में या सिपाही में? कमीशन में, क्योंकि भाई जब वो एजुकेशन उसकी पूरी है तो कमीशन में जाएगा ना वो, हाइट भले कम है ज़्यादा है जो फ़र्क तो नहीं पड़ता वो,
ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू होने की सूरत में मैं क्या करूँगा, कमीशन में जवाब बोलूँगा उसको। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारी जो हो सकती है कि पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए, कि हाइट पूरी है लेकिन एजुकेशन उसकी 16 से कम है, तो फिर सिपाही में जाएगा वो। अच्छा, फिर तीसरी जो कंडीशन है वो मेरा क्या है कि हाइट उसकी कम है लेकिन एजुकेशन पूरी है, तो कमीशन है ये। तो यानी पहला और तीसरा कमीशन है, बीच वाले में क्या है वो, बीच वाले में सिपाही है। अच्छा, लास्ट वाले में कि दो ही, हाइट भी नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है, नॉट वेलकम। सही है, तो असल में जो तुम कह रहे हो ना दो पॉसिबिलिटी, वो चार हैं असल में। हाँ, वो अभी दिखाएंगे ना, ये देखो। अच्छा, ये तीन जो है ना कंडीशन, इन ये तीनों तो ट्रू है, तो एल्स पे तो ये हो गया ना हमारा कि यार एल्स पे तो मैंने बोल दिया कि यू आर नॉट वेलकम। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि एक में जो है वो कमीशन है, तीसरे में भी कमीशन है, दरमियान वाले में जो है वो सोल्जर है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करें इस मसले को, इसको हल करने के लिए ना शायद मुझे ये लॉजिकल ऑपरेटर हटाना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हटा के उसको मुझे चार अलग अलग इफ लगाने पड़ेंगे, या लॉजिकल ऑपरेटर लगे हुए भी हो जाएगा, क्या लगता है? हाँ नहीं, असल में ये तो एग्जाम्पल है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, इसमें ये लूप होता है जो तुमने पकड़ा है, मेरी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है। अगर मैं कोई बेहतर एग्जाम्पल लेकर आऊँ, परफेक्ट एग्जाम्पल, तो वो काम सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर से हो सकता है फिर, जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ जाती है ना, वो काम फिर लॉजिकल ऑपरेटर के बगैर होता ही नहीं है। सही है, मगर ये एग्जाम्पल मेरी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं थी, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वेल इसको मोस्ट प्रॉब्ली मुझे इसके अंदर एक और इफ लगाना पड़ेगा, जो मुझे आसान सॉल्यूशन इसका समझ आ रहा है फिलहाल के लिए। लॉजिक बिल्डिंग की बात है, जो जितना बेहतर सोच सकता है उतना बेहतर प्रोग्राम कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है ना, तो यहाँ पे एक इफ और लगेगा, एक इफ और लगेगा कि भाई अगर ये पहला ट्रू है तो, सॉरी पहले एजुकेशन चेक करूँगा ना मैं, पहले एजुकेशन चेक करूँगा मैं कि अगर ये एजुकेशन ट्रू है तो आप बोलोगे कि यू आर वेलकम फॉर कमीशन। सही है, क्योंकि अगर इन दोनों में से ये, इन तीनों केसेस में ये ट्रू होके अंदर आएगा ना, ये इस पॉइंट पे आएगा, तो मैंने कौन सा वाला चेक कर लिया सिर्फ, कि जो सेकंड वाला जो है ना, अगर वो ट्रू है, क्योंकि देखो इस केस में और इस केस में सेकंड वाला ट्रू है, दरमियान वाले में ये सेकंड वाला ट्रू नहीं है, तो मैंने सेकंड वाले को चेक कर लिया कि सेकंड वाला ट्रू है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी कमीशन है, यहाँ भी कमीशन है, यहाँ पे सिपाही है, तो मैंने कहा एल्स पे सिपाही लगा दो। सही है, कॉन्सोल डॉट लॉग यू आर वेलकम सोल्जर। सही है, यू आर वेलकम सोल्जर, ऐसे कर दिए कि भाई सिपाही आपको खुशामदीद कहते हैं। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको ड्राई रन करो सब लोग, ऐसे इसको प्रोग्राम को देखो और इसको अपने ब्रेन में दिमाग में ड्राई रन करो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ड्राई रन कैसे करोगे, ये चार वेरिएबल्स हैं ना, इस वाले वेरिएबल पे सोचो कि क्या होना चाहिए था और क्या ड्राई रन में सेम रिजल्ट आ रहा है। 5 मिनट का टाइम है, इसको ड्राई रन करो। वो मैंने अभी क्या डाली है, डजेंट मैटर, इसमें चार पॉसिबिलिटी होंगी ना, क्योंकि दो वेरिएबल है, हाइट है और एयर ऑफ एजुकेशन है, तो चार पॉसिबिलिटी होगी। एक में क्या होगा कि हाइट और एजुकेशन दोनों पूरी है, एक में ये होगा कि हाइट कम है, एक में ये होगा एजुकेशन कम है, और एक में कि दोनों ही कम है, तो चार पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इन चारों पॉसिबिलिटी में जो बेस्ट आंसर था, जो आना चाहिए था, क्या वही आ रहा है इस प्रोग्राम में? अगर आ रहा है तो भी बताओ, नहीं आ रहा है तो भी बताओ कि कहाँ पर प्रॉब्लम है।
यहाँ पे, इससे ऊपर, ये दोनों है ना इफ, यहाँ पे इस जगह पे। चलो मैं ड्राई रन करवा देता हूँ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ हाँ नहीं वो तो गलत हो जाएगा ना फिर, वो तो ये चेक किए बगैर ही चल जाएगा। तुम कह रहे हो यहाँ पे कंसोल होना चाहिए लाइन नंबर 37 में, यहीं पे कह रहे हो ना, लाइन नंबर 37 में अगर मैंने कंसोल दे दिया कि यू आर अलाउ फॉर क्या कमीशन, अच्छा कमीशन दे दिया, तो यहाँ पे हाइट अगर कम हो जाती है और एयर ऑफ एजुकेशन पूरी हो जाती है तो तब तो वो बात सही हो जाएगी। लेकिन अपोजिट भी तो हो सकता है ना कि भाई हाइट पूरी हो जाए और एयर ऑफ एजुकेशन कम हो जाए, तो उस सूरत में तो इफ़ के अंदर दाखिल होते ही वो पहले ही बोल देगा कमीशन, हालांकि ये गलत है ना। अब चलो ड्राई रन करके दिखाओ कहीं पे गलती तो नहीं है इसमें। बता दो नंबर क्या है, 2238 किसी की बाइक का नंबर है, वो पार्किंग में चाबी लगी हुई छोड़ के चले गए थे, चाबी आपने निकाल ली है? अच्छा तो ये चाबी इनके पास है, किसी की हो तो ले सकते हैं इनसे, ठीक है। नीचे है ना, आप नीचे होते हैं, आप यहाँ होते हैं नीचे, वहाँ पे गार्ड की टेबल पे होते हैं ये, ठीक है। अच्छा चलो मैं ड्राई रन करवा देता हूँ ना। देखो पहली वाली जो वेरिएबल है हमारा वो हाइट है, अगर हाइट बंदे की पूरी है, और सेकंड वेरिएबल है हमारा एजुकेशन, और अगर ये भी पूरा है एजुकेशन जितनी रिक्वायर्ड है, तो हमें उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए, कमीशन करना चाहिए, क्योंकि कमीशन एक आला ओहदा है एज़ कम्पेयर टू सोल्जर, ठीक है। क्योंकि कमीशन पे जब बंदा लगता है तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगता है वेल। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। हाइट उसकी हो गई पूरी मतलब ट्रू, एयर ऑफ एजुकेशन भी क्या हो गया उसका ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये इफ़ ट्रू हुआ, दोनों ट्रू है तो ज़ाहिर है इफ़ ट्रू ही होगा। अब अंदर आया, अब अंदर आके ये क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि एयर ऑफ एजुकेशन, अब दोबारा चेक किया जा रहा है, डबल डबल चेकिंग हो रही है इसमें, ठीक है। अब ये दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट लॉजिक, इसमें चीज़ें दो दफ़ा चेक हो रही हैं, डबल डबल चेक हो रही हैं, सही है। तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट लॉजिक, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए काम सही कर रही है। तो इसने एयर ऑफ एजुकेशन चेक किया दोबारा, क्योंकि एयर ऑफ एजुकेशन पहले ही पूरा था, तो ये अगेन जितनी बार भी चेक करेंगे ट्रू ही आएगा ये। तो जैसे ही ये ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा कि यू आर वेलकम फॉर कमीशन। अच्छा जब ये इफ़ चल जाएगा तो इसका एल्स जो है वो नहीं चलेगा, अच्छा और ये एल्स भी नहीं चलेगा क्योंकि ये ऊपर वाला इफ़ चल चुका है ना। जिस इफ़ का जो इफ़ ट्रू हो जाएगा उसका एल्स नहीं चलता फिर, वो इस इफ़ चलता है सिर्फ। तो हमारा ये इफ़ भी ट्रू हुआ है, ये इफ़ भी ट्रू हुआ है, तो दोनों इफ़ के एल्स जो है वो नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब है ये कॉन्सोल आते ही प्रोग्राम ख़त्म यहाँ पे, और आगे कुछ कोड नहीं है हमारा। अगर आगे कुछ कोड होता लाइन नंबर 48 में तो वो चलता। तो अभी पहली वाली बारी में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था आंसर बिल्कुल वही आया। अच्छा अब दूसरी वाली बारी में आ जाते हैं। दूसरे केस में ये होगा कि उसकी हाइट तो पूरी है लेकिन उसका एजुकेशन कम है, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम है। तो ऐसे केस में मुझे क्या उसको बताना है कि आप क्या होगे, सिपाही, सही है ना। हाइट पूरी है तो सिपाही में अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशन कम है कमीशन। अच्छा अब देखो हाइट पूरी हो गई ट्रू, यही होगा, अच्छा ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा तो ये क्योंकि यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा हुआ है ना, तो इफ़ तो चल पड़ेगा ये। अच्छा फिर अंदर आएगा और एजुकेशन को ये दोबारा चेक करेगा, तो एजुकेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की सूरत में ये एल्स चल जाएगा इसका, तो उसको सिपाही के लिए बोल दिया हमने, बिल्कुल सही आया आंसर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया, ठीक है। वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको हम।
अच्छा तीसरी कंडीशन ये होगी कि हाइट कम है उसकी बंदे की, पहला वाला जो कंडीशन है ये हाइट कम है ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसकी वो ट्रू है, यानी एजुकेशन उसकी पूरी है, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? कमीशन में जाएगा वो बंदा, ठीक है? तो ये इफ़ ट्रू हुआ, एंटर अंजर जैसे ही हुआ, ये वाला ट्रू हो गया, ये वाला पार्ट ट्रू हो गया, सही है? तो ये चल गया कि भाई यू आर वेलकम फॉर कमीशन, सही है? अच्छा, और ये हमारा तीसरा जो पॉसिबिलिटी थी वो हमने देख ली, सही है। अच्छा, अब चौथी पॉसिबिलिटी को हम देख लेते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि दोनों ही फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो ऐसी सूरत में हम उसको मना कर देंगे कि यू आर नॉट वेलकम, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इसको ये इफ़ क्योंकि नहीं चल रहा तो इसका एल्स चलेगा फिर, कि सॉरी योर एजुकेशन एंड हाइट आर टू लो टू अप्लाई, सही है? तो ये मैंने उसको बताया कि यहाँ पे काम ख़त्म कर दिया। तो चार पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, क्योंकि दो इनपुट थे यूज़र के और लॉजिकली उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उसके चार पॉसिबिलिटीज़ बनती थी और चारों में हमारा सही आंसर ये दे रहा है। तो हमारा जो ये हमने जो लॉजिक गेट तैयार किया है बिल्कुल सही है वो, ठीक है? हमने जो एक ब्लैक बॉक्स तैयार किया है वो बिल्कुल सही है, एक तरफ से वैल्यू डालते हैं दूसरी तरफ से आउटपुट निकल जाता है। अच्छा, तो हमने ये एंड लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से इसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और भी चीज़ है लॉजिकल नॉट, अब लॉजिकल नॉट जो है ना वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, सही है? अच्छा, उसका जो आइकन है वो कुछ इस तरह का है, एक्सक्लेमिनेशन मार्क जो है ना, इससे हम इसको डोनेट करते हैं या डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं। हाँ, तो एक्सक्लेमिनेशन मार्क से इसको हम डिनोट करते हैं कि ये नॉट का ऑपरेटर है, ठीक है? एक्सक्लेमिनेशन मार्क का अंग्रेजी में मतलब कुछ और होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में, तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब नॉट होता है। अच्छा, बाय द वे ये जो हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और पढ़ा है ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पार्ट है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का मतलब होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट सेम है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन शायद इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी सेम है और लिखने का तरीका भी सेम है, क्योंकि एंड इसी तरह लिखा जाता है सी लैंग्वेज में भी, सी प्लस प्लस में भी, सी शार्प में भी, जावा में भी, कॉटलिन में भी, स्विफ्ट में भी एंड इसी तरह लिखा जाता है, एम परसेंट दो दफ़ा, और भी इसी तरह लिखा जाता है जितनी जानता हूँ ना मैं लैंग्वेजेस जितनी भी सब में। पाइथन में शायद सिर्फ ये अलग है, पाइथन में ए एंड डी पूरा लिखते हैं, पाइथन अगर होती ना उसमें ए एंड डी ऐसे पूरा लिखते हैं, ठीक है? एम परसेंट नहीं है उसके अंदर, तो लेकिन वो बात वही है, लॉजिकल एंड है तो वो बंदा देखते ही समझ जाएगा। अच्छा, तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, लॉजिकल नॉट भी तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और इसी तरह से काम करता है। तो नॉट लिखेंगे हम, और इसको भी क्या चाहिए है, तो ये यूनरी ऑपरेटर, लेकिन एक साइड पे इसको ऑपरेंड चाहिए होता है ना, मतलब यूनरी का मतलब है कि एक साइड पे ऑपरेंड चाहिए, लेकिन वो ऑपरेंड कौन सा चाहिए इसको? बुलियन। वो ऑपरेंड इसको कौन सा चाहिए? बुलियन। अच्छा, तो या तो ऐसे मैं नॉट करके ऐसे लिखूंगा और ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इसको पलट देता है ये, ठीक है? इसको नॉट का जो ऑपरेटर है ना वो क्या करता है, इसको नाइगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। नहीं, मतलब सही जवाब की बात नहीं है अभी, वो हमें उस पर आते हैं। ये ट्रू है ना। अच्छा, आमतौर पर ये एक वेरिएबल होगा, इज ऑन, ठीक है? एक वेरिएबल होगा ऐसे, या इज एक्टिव, ये हमने पढ़ा था ना, बूलियन ऑपरेटर जो होता है, बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है उसमें इज लगाते हैं, ठीक है? तो इज एक्टिव, अब इसमें जो भी बात है ना, ट्रू है या फॉल्स है, अभी मुझे नहीं पता होगा पहले कि जाहिर है वो तो यूज़र इनपुट देगा जो भी होगा, या डेटाबेस से वो उठ के आ रही होगी वैल्यू, या कहीं सेंसर से मुझे वो डेटा मिल रहा होगा, हर दफ़ा फिक्स थोड़ी होगी वैल्यू, वो तो डिफरेंट जगहों से आ रही होती है वैल्यू। तो इस वेरिएबल में जो भी होगा, अगर इस वेरिएबल में ट्रू हुआ तो इसको ये बना देगा फॉल्स। अच्छा, इतने में ट्रू है, लेकिन इसके साथ अगर मैं इसको ऐड करता हूँ इस नॉट को भी, तो ये ऑपरेटर है ना एक्चुअली, तो इवेल्यूएट होगा ये वैल्यू, जैसे 2+2 करते हैं तो 2+2 खुद ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह 4 आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा ना नॉट और इज़ एक्टिव, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इज़ एक्टिव में क्या था, ट्रू था, तो ये नॉट इज़ एक्टिव जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा गायब हो जाएगा और यहीं पे फॉल्स लिखा हुआ आएगा, राइट? वो तो मैंने ऐसे एरो बना के आगे लिखा है समझाने के लिए,
लेकिन एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में क्या होगा, यह खुद ही गायब होकर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, है ना, ऐसे होगा। अच्छा तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, सही है। तो अगर ट्रू के साथ लगेगा नॉट तो वो फॉल्स बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा फॉल्स के साथ जब लगेगा नॉट तो वो ट्रू भी बन जाएगा, सही है। बस दो ही पॉसिबिलिटी है ना इसमें, एक वेरिएबल है, देखो इसमें था दो वेरिएबल, नंबर एक वेरिएबल नंबर दो, तो इसमें चार पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक है तो पॉसिबिलिटी दो ही रहेगी, ठीक है। इनपुट में एक वेरिएबल है जी, इसकी बेहतरीन एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, छोटा भाई होता है ना, सब लोगों के छोटे भाई हैं यहाँ पर, अब कोई अगर खुद छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है तो भाई अब क्या कर सकते हैं, छोटे भाई से कोई भी काम करवाना है ना, अगर अगर उसको बोलना है कि यहाँ से उठ के चले जाओ, ठीक है, तो उसको ये नहीं बोलना है कि उठ के चले जाओ, फिर तो कभी भी नहीं जाएगा, तो उसको बोलना पड़ेगा कि यार थोड़ा आराम से सही होके बैठ जाओ यहाँ पर, आराम से बैठो यहाँ पर, थोड़ा तकिया ले लो, तकिया लेके लेट जाओ, तो अपोजिट समझता है वो तो मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, जा रहा हूँ मैं अच्छा, या तो अगर उसको बोलना हो कि यहीं बैठे रहो, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा चलो उठो यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊँगा मैं यहीं बैठूँगा ऐसे ही होता है ना, अब कोई खुद छोटा भाई बैठा हुआ है भाई, तो अभी क्या कर सकते हैं, यही है भाई हकीकत है, ये खुला सच है ये कितने लोगों के छोटे भाई हैं, बहुत कम लोगों के छोटे भाई हैं यहाँ पे। अच्छा जिनके छोटे भाई नहीं है उनके लिए एक और एग्जांपल बीवियों का भी यही सीन है, हाँ अच्छा छोटे भाई को तो नहीं सुनेगा तो एक थप्पड़ मार दिया ना उसको, बीवी को तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर बड़ा अजाब हो जाता है, फिर वो तीन उसको फिर शॉपिंग कराओ भाई उसको मनाने के लिए, उसको फिर वो कुछ नहीं पता, उसको उसको मेकअप दिलाओ फिर भाई, अब वो ऐसे नहीं, छोटा भाई तो बेचारा गया उसको 10 रुपये का नोट दे दो तो भी खुश हो जाता, नहीं भाई नहीं सही तो बीवियों का भी यही सीन है कि अगर उनको जो भी बोलना है ना तो अपोजिट बोलना पड़ता है, तो अपोजिट समझ में आता है, ठीक है, तो लॉजिकल नॉट तो आप लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही चल रहा है अच्छा आमतौर पे जो है ना लॉजिकल नॉट कहाँ प्रोग्रामिंग में हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो वैसे तो ये अभी थ्रू आउट द कोर्स अब ये नॉट और ये एंड और ये अब चलेगा, सही है, जो जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं ना वो एडअप होती जा रही है। आपने नोट किया होगा कि आपने हम जो BMI कैलकुलेटर बनाया था उसमें वेरिएबल भी था, उसमें इफ एल्स भी आ गया था, ठीक है, फिर उसमें कॉन्सोल वॉन्सोल भी आ रहा था, फिर प्लस माइनस भी उसमें हमने किया था, है ना, प्लस माइनस हालांकि हम पहले पढ़ के ख़त्म कर चुके थे, लेकिन अब वो एडअप होता जा रहा है। अब जब प्रॉपर सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो BMI कैलकुलेटर में वो सारे ऑपरेटर डिवाइड मल्टीप्लाई सब यूज़ हो गया, ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जो टास्क किया करेंगे उसमें फिर ये भी होगा, उसमें इसका भी इस्तेमाल होगा। तो आमतौर पर जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है कि लेट इज ओपन, सही है, अच्छा अब मुझे गेट मिसाल के तौर पे कोई बटन है जिससे गेट ओपन होता है, अब वो बटन प्रेस हुआ तो अब मैंने क्या करना है, गेट को ओपन करना है। अच्छा गेट ओपन करने के लिए इमेजिन कर रहा हूँ मैं, एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि गेट ओपन करने के लिए एक मोटर है, वो मोटर घूमती है तो वो गेट स्लाइड होके खुलता है। अब आपने देखा होगा मेन गेट पर लोग आमतौर पर ये लगाने लगे हैं आजकल कि वो गाड़ी आती है जब तो गाड़ी में ही वो बटन दबाते हैं यूँ टी, तो वो एक मोटर अंदर लगी होती है गेट के साथ, वो अनलॉक भी हो जाता है और ऐसे स्लाइड होके खुलता है गेट। हाँ IoT वाले वो बड़ा अभी बीच पिछले दिनों चल गया था, तो अब वो बटन है मैंने दबाया गेट ओपन करने का। अच्छा तो अब वो अगर तो गेट मुझे गेट खोलना है, गेट को क्या करना है मुझे खोलना है, गेट खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल कुछ कॉल करूँगा या फंक्शन कॉल करूँगा या कुछ कुछ ऐसी चीज़ करूँगा जैसे गेट, लेकिन उससे पहले मैंने ये चेक करनी है चीज़ कि क्या गेट पहले से ओपन तो नहीं है, क्योंकि वो ऐसे
क्लॉक वाइज घूमता है मोटर तो गेट ओपन होता है। अब गेट अगर पहले से ओपन है और वो क्लॉक वाइज उसको मैं घुमा दूँ अगर, तो हो सकता है मोटर टूट जाए, ठीक है। तो अगर वो पहले से ओपन है ना, और यूज़र एक्सपीरियंस की भी बात है, अगर वो ओपन दबा रहा है तो मैं बोलूँगा ऑलरेडी ओपन, यूज़र उसको बताना भी तो पड़ेगा ना, अगर मोटर टूट नहीं भी रही है अगर, तो बताना पड़ेगा कि यार ओपन पहले से। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि इफ़ नॉट ओपन, अच्छा इज़ ओपन जो है इस, जब गेट खुला हुआ होगा तो उसमें ट्रू होगा, कि इज़ ओपन का मतलब कि क्या ओपन है इसका मतलब ट्रू होगा। तो मैंने कहा कि इफ़ नॉट इज़ ओपन, सही है, तो क्या कर दो, मैंने कॉन्सोल पे लगा दिया कि गेट इज ओपनिंग, ठीक है, गेट ओपन हो रहा है, इंतज़ार फरमाएं। अच्छा यहाँ पे कोई मैं फंक्शन कॉल करूँगा कि ओपन, क्या लिख रहा हूँ ये, सही है, इस तरह करके मैं कुछ करूँगा यहाँ पे बीच में जिससे गेट ओपन होगा, लेकिन वो एक्चुअल में भी हो कुछ नहीं रहा। अभी जस्ट मैं कॉन्सोल पे लिख देता हूँ कि भाई गेट ओपन हो रहा है, बस इंतज़ार करें आप। अच्छा तो अब देखो क्या होगा, अभी गेट ओपन फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स है, अब फॉल्स के साथ नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब इस केस में गेट बंद है, इज ओपन में फॉल्स है, गेट बंद है इस वक्त, तो ये क्या करेगा, गेट इज़ ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा एल्स अब लगा देता हूँ मैं, अगर ये इफ़ नहीं चलता है तो इसका मतलब क्या है कि एल्स चलेगा, ठीक है। अच्छा इफ़ अगर ये नहीं चलता है इसका मतलब है गेट पहले से खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल लगाऊंगा, गेट इज ऑलरेडी ओपन, सही है, ये एक लॉजिक तैयार हो गई। अच्छा इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, वो ये इसी तरह से लॉजिक होती है कि क्या इस नाम से पहले से फाइल बनी हुई है। अच्छा अब ये जो लॉजिक है ना, ये जो एग्जांपल मैंने बताई है, ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, सही है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें नॉट के बगैर भी ये काम हो सकता है, बताओ कैसे होगा, नॉट के बगैर भी ये लॉजिक सेम इसी तरह चल सकती है, बताओ कैसे चलेगी, हाँ पलट दूंगा मैं लॉजिक को, ठीक है, यहाँ पे बजाय इसकी मैं नॉट लगा रहा हूँ जो, मैं पलट दूंगा इसको, मैं बोलूँगा कि यार इज़ ओपन अगर है ना तो बोलो कि गेट ऑलरेडी ओपन, और अदरवाइज जो है वो ये नीचे ले आओ, ये बगैर नॉट के सेम लॉजिक बन गई, अगर इज़ ओपन है, और ये मोर क्लियर भी है, ये जो है मज़ीद क्लियरली समझ में भी आ रहा है, अच्छा इज़ ओपन है तो गेट इज़ ऑलरेडी ओपन, एल्स पे इसको चलाया हुआ, ठीक है। तो दिस एग्जाम्पल इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, लेकिन नॉट की बहुत सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नॉट की बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है हमें, और हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। अच्छा ये क्या हुआ, अच्छा जी तो हमने आज लॉजिकल ऑपरेटर को समझा थोड़ा सा कि लॉजिक क्या होती है, देन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, और उसकी एक दो एग्जांपल समझी हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर रहे होंगे कि अभी तो हमने सीधा सीधा इसको इनपुट दिया ना, फिर हम ये देखेंगे कि अगर इसको बूलियन के अलावा कुछ और मिल गया तो इसका बिहेवियर क्या होगा उस केस में, और वो पढ़ के फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर के टॉपिक को ख़त्म करेंगे फिर। अच्छा एक टास्क आपको दे देता हूँ मैं हाथ के हाथ, आई होप कि वो आपसे बन जाएगा, जो हमने ग्रेड वाली ऐप बनाई थी ना, कि बंदा बोलेगा कि मेरी परसेंटेज इतनी है, 79% है मेरी, और उसका ग्रेड कैलकुलेट करके बताना है, तो एक तो हमने बगैर लॉजिकल ऑपरेटर के वो कर लिया था, है ना, लेकिन वो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं क्या कहूँगा कि एक नंबर अगर 50 से बड़ा है और 70 से छोटा है,
सॉरी 50 और 60 के दरमियान का मुझे चाहिए ना, तो 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो इसका मतलब है 51 से लेके 59 तक का मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो 51 से लेके 59 तक का जो भी ग्रेड बनता है वो उसका मतलब है वही। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रेड वाली जो ऐप थी जो आपने पहले ही बनाई हुई है, उसके अंदर जस्ट आपने वो उस पुरानी ऐप को छेड़ना नहीं, उसकी एक कॉपी बनाना, उसकी एक कॉपी बना के, और जाहिर है वो आप चेंज कर दोगे, उसका जो इफ वाला जो लॉजिक है ना उसको आप चेंज कर दोगे, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। स्टिल वो ग्रेड वाला काम बगैर लॉजिकल ऑपरेटर के ही होना चाहिए। अब वो पता नहीं एग्जैक्टली तुम सवाल कौन सा पूछ रहे हो, लेकिन जब भी कंपैरिजन कराना होता है तो स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करोगे आप, नंबर में कन्वर्ट हो गया एंड देन उसको कंपैरिजन कराओगे आप, तो फिर वो कंपैरिजन सही देगा। वो कंपैरिजन ऑपरेटर लास्ट हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग हो तो डिक्शनरी ऑर्डर में लेता है उसको, तो वही वाला सीन हो रहा होगा, ठीक है जी। अभी तक जो हमने पढ़ा इसके मुताबिक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो भाइयों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।